नमस्कार दोस्तों, आज 8 अगस्त 2024 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां हैं, आज के क्या रेट हैं। जी माहौल आपको सामने दिख रहा है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो के रेट बताएंगे और यहाँ अराइवल के ऊपर खेल है। जितना माल कम आएगा उतनी रेट बढ़िया रहेगा, जितना माल ज्यादा आएगा उतना रेट कम रहेगा। चले जानते हैं अशोक आलू कंपनी के पास आज के अशोक बाबूजी से, कहाँ कहाँ के माल है, कल से बिक्री कैसी रही। बाबूजी राम राम जी। राम राम जी, राम राम जी, राम राम। बाबूजी आज का कैसा माहौल जी, गाड़ियाँ कल से कम है ज्यादा है जी? 29 गाड़ी तो कल की खड़ी है भाई साहब। 29? 29। अच्छा जी। और 103 टोटल है। अच्छा जी। खड़ी खड़ी है, खड़ी खड़ी का हिसाब है, उतरे हुए का नहीं। अच्छा जी, खड़े खड़े का हिसाब है। और तो कल से क्या पोजीशन है? थोड़ी सी बिक्री कमजोर है, कल असल में क्या है बारिश हो गई शाम के टाइम। अच्छा जी। और जब बाजार लगता है और बाजार नहीं लग पाए, बारिश हो जाए तो घाट कम निकलता है। ठीक है जी। तो जो लोग माल ले गए उनका माल बिका नहीं। अच्छा जी। तो थोड़ी सी इसलिए दिक्कत आई है, आज थोड़ी घाट ही कमजोर है। अच्छा जी। 37-97 जो है कम है मार्केट में, अच्छा कम है, अच्छी गाड़ी थी 37-97 की 1200 की बिकी। अच्छा जी। वैसे आम 11, 11.5, 11.5, 11.5 का भाव है। अच्छा जी। तो कुल मिला के कल से रेट नीचे गए जी फिर थोड़ा? रेट नीचे नहीं है मगर घाक ही कमजोर है। अच्छा जी। क्योंकि जो घाक माल ले गए, माल 10 कट्टे ले गए उसके 5 बच गए। ठीक है जी। तो वो आज कम लेगा ना। फिर बरसात तो आज सुबह की भी चल रही नोएडा की तरफ, बरसात से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी। फर्क पड़ता है बाजार लगता है शाम को 5 बजे से 10 बजे। अच्छा जी। 11 बजे तक। तो जो शाम को अगर 5, 6, 7 बजे बारिश हो जाएगी तो फिर घाक नहीं निकलेगा। ठीक है जी। अभी बारिश हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सुबह बारिश हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। शाम को जो माल बिकता है उस टाइम जो है दफ्तर से आदमी घर लौटता है तो सब्जी फल सब्जी लेके जाता है। ठीक है जी। कुछ औरतें वगैरह जो भी है सब शाम को निकलती है, शाम की बारिश में फिर आज भी नहीं निकलता, वो कीचड़ हो जाता है और फिर कपड़े वपड़े खराब हो जाते हैं पानी। ठीक है जी। तो आज की एक बार ये कौन से हैं जी बाबूजी? ये जो है सूर्य है जी, बहुत ज्यादा मट्टी लगा रखी जी। हाँ, मट्टी असल में क्या है वहाँ बारिश हुई चंदौसी में। अच्छा जी। तो बारिश होने की वजह से सूखा नहीं आलू, सूख जाता है तो कुछ मिट्टी झड़ जाती है, आलू में चिपकी नहीं रहती। अच्छा जी। हम हवा में नमी है और बारिश हुई है, वहाँ सारे दिन बारिश हुई है। ठीक है जी। पूरा सूख नहीं पाया। ठीक है। अगर ये घंटे दो घंटे की धूप लग जाती है तो सब मिट्टी जो है जाती। अच्छा जी। आज के ऐसे मान लो के क्या बाजार है जी? आज बिका नहीं जी, ऐसे वैसे 1400 के 1450 बिक रहे हैं। अच्छा जी। मगर आज जो है कुछ सूखा कम है और कुछ घाकी कम है। अच्छा जी। बाकी तो सभी के पास ऐसा चल रहा है जी आज? हाँ जी, जब जो नमी है तो सभी जगह कम। ठीक है जी। जो हल्के हैं वो 1300 बिक रहे हैं, 1300, 1250, ये 1300 का बिका है। अच्छा, ये वाला है। हाँ जी। पल्ला जो है वो 1280 का मांगा जा रहा है, मालिक ने दिया नहीं है। अच्छा जी। 1300 बिक जाए, 1280 बिक जाए, ऐसे बिक। अच्छा जी। अच्छा, फिर तो बाबू जी आज बैलेंस और ज्यादा बच जाएगा जी? हाँ, बैलेंस कल के मुकाबले ज्यादा रहेगा क्योंकि धागी कमजोर है और देखो घंटे आध घंटे में बिक्री निकल जाए तो बात दूसरी। अच्छा जी। और जो बात करें बाबू जी चिप सोना के जी, आज के चिप सोना जैसे हैं? चिप सोने बिक रहे हैं जी 1200, 1250, 1250 ऐसे बिक रहे हैं। अच्छा जी। जो ज्यादा बढ़िया लाटे हैं 1300 तक भी बिकते हैं। नहीं, 1200 तो नीचे का भाव है, 1200, 1250, 1250 बिक जाते। ठीक है। जो एक गिलास साइड का आता है वो 1150 से 1200 बिक जाता है। गुल्ला पहले बिक रहा है, आलू बाद में बिक रहा है। ठीक है जी। मीडियम साइज का आलू पहले बिक रहा है, गुल्ला भी जो है 1200, 1250 ऐसे गुल्ला बिक जाता है। ठीक है जी। और गुल्ला फटाफट बिक जाएगा, आलू देर से बिक जाएगा। तो अब किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए आपके मुंह से ना जी कुछ भी व्यापारी सुनना चाहे, आपको व्यापारी ज्यादा देखते हैं जी, देखो जी किसान भी देखते हैं व्यापारी ज्यादा देखते, कुछ भी सुनना चाहते हैं आपके मुंह से। देखो जी, आलू को बेचना चाहिए, बाकी अपनी क्षमता के हिसाब से बेचते रहें। सब्जी है इसका कुछ नहीं पता क्या होना है। ठीक है जी। जैसे जिसकी क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से आलू को बेचना चाहिए और मेरे विचार से तो आधा आलू तो जरूर बेच देना चाहिए। अच्छा जी। इसमें अगस्त में जो भी है अगर सारा नहीं रोकना चाहिए, आधा आलू कम से कम आधे आलू का नफा खा जाना चाहिए। ठीक है जी। और आधे को फिर जितनी उसकी क्षमता है उसके हिसाब से रोके, सारा बेचना सारा बेचे मगर आधा तो जरूर बेच लेना चाहिए क्योंकि नफा चोर होता है, पता नहीं कब क्या हो जाए। वैसे ऐसे कोई मंदे के आसार नहीं है मगर फिर भी देखो सब्जी है, नफा फिर भी चोर है, नफा तो चोर होता ही है, कभी भी कम हो जाता है। अभी भी देखो पहले के मुकाबले 100-150 कम हो ही गए आलू। ठीक है जी। इसलिए आलू को आधा तो कम से कम बेच लेना। हालांकि बरसात बरसात और होंगी, मौसम ठंडा होगा, बिक्री खुलेगी,
तो मैं समझता हूँ बिक्री भी बढ़ेगी, भाव भी बढ़ सकता है, पर सब्जी है इसके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं। और जो आधा बेच लिया और तेजी भी आ गई तो आधे आलू बच गया, उसके भी पैसे बन जाएंगे फिर? आधा तो आधे का तो कम से कम नफा जेब में हो। ठीक है जी, आगे सबकी अपनी अपनी क्षमता है, अपना अपना हिसाब है। ज्वारी है आखिर तक रोकते हैं, लघु रोकने वाले दिसंबर जनवरी तक रोकते हैं। ठीक है जी, तो सबका अपना अपना नफा नुकसान सहने की शक्ति है, उसके हिसाब से काम करें। ठीक है जी, सबका अपना अपना माल है, हम तो कह सकते हैं किसी को बेचे है ना बेचे, सब अपनी ताकत के हिसाब से देखें जैसे करना है। ठीक है जी, पर जैसे अब की बार बाजार चल रहा है और उम्मीद है कि लास्ट तक बाजार टिके रहेंगे, इन रेटों में माल निकल जाएगा, माल निकल जाएगा इन भाव में। अब इतने बड़े भाव में 50-100 रुपए कमती पड़ती होता है। ठीक है जी, अब देखो 100-200 का भाव होता है तो 10-20 कमती पड़ती होती है, अब 1000-1200 के भाव में तो 100-150 रुपए कमती पड़ती होना स्वाभाविक है। अच्छा जी, जो इसमें तेजी रहेगी सब लोग पंजाब वालों के लिए भी एक मौका रहेगा, जो जब ये तो बेस है, अगर ये तेज होगा तो नया ऑटोमेटिक तेज होगा। ठीक है जी, और ये मंदा होगा तो वो ऑटोमेटिक मंदा होगा। यानी सबसे पहले पंजाब वाले लगाते हैं, उनके लिए एक मौका है जी, जिसका आलू बढ़िया तैयार होके आ जाएगा वो पैसे कमाएगा जी, पैसे बन जाएंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे उनको। ठीक है जी, हाँ अब जो है एक आध और बरसात गिर जाए 15 अगस्त के बाद जो है वो बीज निकालना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, बुआई भी शुरू हो जाती है इसी महीने के लास्ट तक, तो थोड़ा बहुत बो ही जा जाता है। ठीक है जी, सितंबर के 10 तारीख तक तो लगभग सारा ही बो जाता है। अच्छा जी, इस महीने के लास्ट में 20-22 तारीख से बुआई जोरों से हो जाए, यानी 25 अगस्त से लेके और 10 सितंबर तक 15 दिन के अंदर अंदर सब तकरीबन गेते वाले बो देते हैं। ज्यादातर लोग जो अगेते खोदने वाले हैं वो बो देते हैं। ठीक है जी, आगे से ऐसे तो पूरा सितंबर लगता है, मगर जिनको जल्दी भाव लेना होता है, अर्ली भाव लेना होता है, वो बोते। चलो जी, जोर तो मारेंगे जी सारे जने, हर आदमी, और मारना भी चाहिए जी, तेजी की साल है, हर आदमी चाहता है मुझे भाव मिल जाए। ठीक है जी, उसका कुछ स्टोर भाड़ा लगना है उसे तो बोना और खोद लें, 60 दिन में बाहर कर देगा। पर इसमें रिस्क भी बहुत रहा जी, लेट बारिशों का, कई बार लेट वाली बारिश होती है, इसमें बारिश हो जाएगी तो बीज खराब हो जाएगा, बह जाएगा, रिस्क तो है ही। हाँ जी, हाँ जी, गर्मी में सड़ जाता है, और अब की बार समझ लो बीज भी महंगा है जी, बहुत बीज बीज ज्यादा महंगा है, आलू सस्ता है, बीज ज्यादा 1200 के लगभग भाव है वहाँ उसके। अच्छा जी, हाँ जी, छोटे आलू का रेट ज्यादा है जी अब। चलो जी, बढ़िया ही होएगा जी हमारी तरफ से, अच्छा करेगा जी, ऐसी कोई बात नहीं। देखो सब्जी है, इसकी शॉर्टेज का कोई भाव नहीं है, किसी भाव तक जा सकती है। ठीक है जी, सब्जी की जो है मंदी तेजी का कोई अंत नहीं होता, ठिक भी जाती है ये, और तेजी आती है तो कहाँ तक चली जाए इसकी कोई लिमिट नहीं। ठीक है जी, तो बाकी इन भाव में निकल जाएगा आलू, कोई मंदे वाली कोई ऐसी कोई खास बात नहीं, मगर फिर भी आलू में निकालता रहे तो अच्छा रहता है, सही रहता है। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा निकालता रहे, हर भाव मिलता रहेगा, आगे तेजी आएगी तो वही भाव मिल जाएगा। आज खतरा है जी, जो उनसे बैलेंस बचेगा जी, जैसे गाड़ियां चलता रहता है, नई बात नहीं है। अच्छा जी, चलो, कभी कम कभी ज्यादा चलता रहता है। चलो तो चलेगा ही, चलता रहता। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी देने। बाबू जी दुकान का एड्रेस मोबाइल नंबर जी एक बार। अशोक आलू कंपनी, A291 सब्जी मंडी जाजपुर, मोबाइल नंबर है 9810053673। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बाबू जी। चलिए दोस्तों, जानते हैं बाबू जी के पास भी एक गड्डी आई जी, देखो बड़े वाली गड्डी जो है बाहर से आई लाल आलू की, और इसको बोलते हैं जी असली वाला हल्द्वानी, असली वाला पहाड़ी। ये आलू ऐसे है, इसके ऊपर ओरिजिनल जाली है बनी, जैसे खरबूजे के ऊपर बनी होती है, खरबूजे के ऊपर। ये मिलते ही नहीं दिल्ली में, लेने वाले आज भी ऐसे हैं, यदि उनको ये मिल जाए ना, इसको 100 रुपये किलो भी खा लेंगे, 100 रुपये किलो, पर उन तक ये आलू पहुँचता ही नहीं, वो पूछ पूछ के थक गए, घूम लेते हैं, फिरते हैं मंडी में, बाजारों में, मार्केटों में, उनको घुमा फिरा के सूर्या चिप सोना पेल देंगे देने वाले, पर ये आलू मिलेंगे नहीं। ऐसे दिल्ली में बंदे इसको 100 रुपये किलो खा लेंगे। चलिए जानते हैं आज का लाल आलू का भी कैसा बाजार चला, आज के क्या रेट है जी। बहू जी नमस्कार जी, ये छंटवा रहे क्यों जी इसको? ये गुजरात का थोड़ा सा सूखा दाना। अच्छा, सूखा दाना है या छोटा दाना निकलवा रहे हैं तो वहाँ से वो ग्रेड करके नहीं भेजते जी इसको? कोई कोई गाड़ी फंस जाती है जिसमें हो जाता है। अच्छा जी, बाकी तो मोटा ही, मोटे की डिमांड है, मोटा ही बिकता। अच्छा जी, मोटा बिक रहा है 29 से 30 रुपए जैसा ये जो भरा जा रहा है नीचे। अच्छा जी, अच्छा, ये 29 से 30 रुपए किलो 30 रुपए किलो जी। आगरे का आलू जो पलटा हुआ है मोटा, ये है 22 रुपए, ये इधर वाला जी सेकंड। हाँ अच्छा जी, ओवर साइज भी 22-23 रुपए। अच्छा जी, अच्छा, और पंजाब का जो आलू है वो बिक रहा है 20-21 रुपए, पंजाब का 20-21 रुपए, वो भी मोटा आलू। अच्छा, मीडियम थोड़ा डाउन है। ये वेफर पास है? ये वेफर पास है। अच्छा जी, ये घाक को मोटा चाहिए था, हाँ जी, इसलिए ग्रेड करा के दे रहे हैं।
यानी जो वेफर पास आ गया बस उसकी तो डिमांड बढ़ जाती है। हाँ, उसकी तो बढ़ गया डिमांड। और जो पास न होया उसकी लटक जाए वो तो फिर कम है। अच्छा, आगरे में अब सब जगह अब अभी जो मौसम है ना अगस्त का, हाँ जी, आलू फेल होने शुरू हो गए हैं। अच्छा जी, हाँ बहुत जी, बढ़िया की डिमांड में 15 दिन में। अच्छा, और चिप्स में इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। इन आलू को ये हल्द्वानी 100 रुपए किलो भी लोग खाने के लिए सब तैयार हैं। 2200 से 2300 रुपए कट्टा यहाँ बिकता है। हाँ जी, खर्चे पड़ जाते हैं तो 50 रुपए किलो तो वहीं पड़ जाता है। अच्छा जी, लगभग मार्केट में मिलता नहीं जी ये? हाँ मिलता तो है, लेकिन जो मछागोर ले जाते हैं, हाँ जी, तो गिने चुने गाहक बेचते हैं इसको। अच्छा जी, अरे कोई नहीं बेचता। पर इसके खाने के तो लोग अलग ही दीवाने हैं। हाँ, अलग ही है, हल्द्वानी के नाम से अलग है। पर इसको मिलता नहीं जी मार्केट में ना, जो ढूंढेंगे मार्केट में। सूर्य को हल्द्वानी बना के बेच रहे हैं ना। हाँ, ये चक्कर भी तो है, सूर्य को चिप्स उसी को हल्द्वानी मानने लगे। हाँ जी, हाँ जी, सूर्य को चिप्स और नाको दे देंगे जी, ये नहीं मिलेगा जी, ये नहीं मिलता ये तो कोई कोई मछागोर बेचता है। अच्छा जी, पर इसका खाने का टेस्ट ही अलग है, अलग होता है, तभी तो ये ताजी फसल है ना ये। अच्छा जी, बाकी तो सब स्टोर की फसल है। अच्छा, कोई बुल्ली मिश्री गाड़ी कभी हिमाचल की आती है अभी पूरी मंडी अभी में? तो नहीं आ रही है, पहले आ रही थी 15 दिन पहले। अच्छा, आई थी 4-5 गाड़ी पिछले महीने। अच्छा जी, अलग 15 दिन में एक गाड़ी आती है। बताओ जी, और चंडीगढ़ में कितनी गाड़ियाँ आ रही है आलू की? सारा ही आलू वहीं बिक रहे जी? वो फर्क हो गया ना यहाँ में वहाँ में, जो रेट यहाँ है वही रेट वहाँ। देखो जी, चंडीगढ़ वाला क्या मौसम भी बढ़िया, आलू भी बढ़िया। अरे जी, अभी भाई अब तो सब जगह पब्लिक अच्छा खाना माल अच्छा आलू मांगती है। ठीक है जी, सबको बढ़िया आलू चाहिए, बस हल्द्वानी नहीं पोसता ना। अच्छा, इसलिए ये शिमला बहुत डिमांड है। अच्छा जी, और शिमले वालों को वहाँ नज़दीक पड़ता है और उनको अच्छे रेट मिल जाते हैं, वो सवेरे सवेरे बेच के निकल भी जाते हैं। ठीक है जी, तो बस ये लिमिट में ही बिकता है जी यहाँ? ये तो लिमिट में अभी 100 कट्टा 80 कट्टा 70 कट्टा लिमिट में ही आता है, एक दिन छोड़ के एक दिन ही आता है। ठीक है जी। अच्छा बाबूजी, जो कोई इसको घर के लिए ले जाए तो कितने दिन टिक जाएगा ये कट्टा, कितने दिन रह जाएगा इसके? कुछ भी नहीं, आराम से 10 दिन, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। 10 दिन में तो कोई कट्टा खा नहीं सकता? नहीं, लेकिन अब तो मौसम ठीक है। अच्छा जी, अब सड़ने वाला 20-25 दिन चल जाएगा जी, जो उसको घर में थोड़े वैसे अच्छे कमरे में रखे ठंडे में। आगे जो सितंबर में आलू ले जाते हैं ना, हाँ जी, फिर वो नवंबर तक चला लेते हैं। अच्छा जी, क्योंकि फिर वो शुगर बढ़ जाती है इन सब में तो। अच्छा जी, आलू ऐसा होता है जो चल जाता है। अच्छा, फिर नया जाता है नवंबर में। अच्छा जी, हम इसको भी कोई ले जाना चाहे 20-25 दिन जाता हूँ मैं ऐसे ही। अच्छा जी, 15 किलो रख लेते हैं, वो चलता रहता। चलिए जी, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोस्तों, ये बाबू जी की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है 98-115-060-02। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे नेक दिल के, बहुत बढ़िया बंदे हैं जी, सत्संगी आदमी है जी, सत्संगी आदमी, बहुत बढ़िया जी।